क्या आप भी यही सोचते हैं कि कम दामों वाला शेयर लेने से ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा दाम जिसका रहता है वो शेयर लेने से फायदा नहीं होता या कम फायदा होता है? अगर आप भी ये सोचते हैं तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में यस टाइप कीजिए। तो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो ज्यादातर बिगनर्स को होता है जब वो स्टॉक मार्केट में इंटर करते हैं कि कम दाम वाला शेयर लेंगे तो उसमें फायदा ज्यादा होगा क्योंकि वहां पे क्वांटिटी अब ज्यादा ले पाते हैं। यही इस वीडियो का टॉपिक है और इस मिसकंसेप्शन को इस वीडियो में हम दूर करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये एजुकेशनल वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि बिगनर्स को यही लगता है कि कम दाम वाला शेयर लेंगे तो ज्यादा पैसा बन जाएगा क्योंकि शुरू में तो पैसे कम होते हैं तो वो सोचता है कि क्वांटिटी ज्यादा दे, किसी भी शेयर का ले तो वो क्वांटिटी ज्यादा ले, जो बिल्कुल भी गलत तरीका है सोचने का। चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास है 10,000 और 10,000 मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरे पास दो कंपनी है। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसका जो शेयर प्राइस है वो 2,000 है, यानी अगर मैं एबीसी लिमिटेड के 10,000 में शेयर्स बाई करूंगा तो मैं 5 शेयर्स ही बाई कर पाऊंगा क्योंकि उसका जो शेयर प्राइस है वो 2,000 है। वहीं एक और कंपनी है XYZ लिमिटेड जिसका जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपया है। अगर मैं 10,000 मुझे इन्वेस्ट करना है XYZ लिमिटेड में तो मेरे पास जो शेयर्स होगा वो 1,000 होगा, यानी क्वांटिटी XYZ लिमिटेड में बहुत ज्यादा होगा, 1,000 शेयर्स होंगे मेरे पास। वहीं एबीसी लिमिटेड में मेरे पास सिर्फ मात्र 5 शेयर्स ही होंगे। तो यहाँ पे क्या जाता है, लोगों को यही लगता है कि क्योंकि क्वांटिटी में हमारे पास 1,000 हो गया इसमें ज्यादा रिटर्न बन जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि जो रिटर्न है वो परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। दोनों में, एबीसी लिमिटेड में भी आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है और XYZ लिमिटेड में भी आपने 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो अगर एबीसी लिमिटेड 10% बढ़ता है यानी उसका शेयर प्राइस 10% बढ़ता है, 2,000 का 10% यानी 200 रुपया अगर उसका शेयर प्राइस बढ़ता है तो आपको परसेंटेज में 10% प्रॉफिट होगा, यानी कि अमाउंट में आपको 1,000 रुपया प्रॉफिट होने वाला है। वहीं अगर XYZ लिमिटेड की बात करें तो शेयर प्राइस का 10% बढ़ेगा यानी 10 रुपये का शेयर है तो 11 रुपया हो जाएगा, 1 रुपया प्रॉफिट होगा आपको शेयर पे, तो आपको इस पे टोटल अमाउंट पे भी आपको 10% प्रॉफिट हुआ है यानी कि 1,000 ही प्रॉफिट हुआ है। दोनों केस में एबीसी लिमिटेड में भी और XYZ लिमिटेड में भी एक का प्राइस है, शेयर प्राइस है 2,000 रुपया और दूसरे का है 10 रुपया, लेकिन दोनों में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे आपको जो प्रॉफिट होना है वो 1,000 ही होना है क्योंकि आपको जो परसेंटेज में गेन हुआ है दोनों में वो 10% का ही हुआ है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं आता है रिटर्न में या परसेंटेज में या प्रॉफिट में, हमेशा आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है परसेंटेज में और टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उस पर कैलकुलेट होता है रिटर्न, न कि क्वांटिटी पे होता है। यहाँ पे आपके पास 1,000 क्वांटिटी है, इसका ये मतलब नहीं है कि 10% बढ़ेगा तो आपको एबीसी लिमिटेड में 1,000 ही प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पे आपको 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और यहाँ पे आप दूसरी गलती भी करते हैं अगर ऐसा करके आप इन्वेस्ट करते हैं तो। यहाँ पे ये भी हो जाता है ना कि एक कंपनी है 2,000 का और एक कंपनी है 10 रुपया का, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो है कि एक जो कंपनी है वो 2,000 का है और दूसरा है कि यहाँ पे 10 रुपया का ही है। तो आप कई बार ये गलती कर सकते हैं, जाने अनजाने आप ये गलती कर सकते हैं कि आप 10 रुपये वाला शेयर ले लेंगे और जो शायद फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, कोई कारण से वो 10 रुपये का शेयर है और जो एबीसी लिमिटेड है वो कोई कारण से 2,000 का शेयर है, तो यहाँ पे आप ये भी गलती करते हैं। तो इस मिसकंसेप्शन में आप ये तरीका नहीं अपनाएं कि कम दाम वाला शेयर ले लेंगे क्वांटिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि इनिशियल में मैं ये मानता हूँ कि आपके पास पैसे कम होते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 ही होते हैं, लेकिन हमेशा आपको शेयर का प्राइस देख के डिसाइड नहीं करना है कि हमको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट हमेशा एनालिसिस पे होना चाहिए, वो भी फंडामेंटल एनालिसिस पे होना चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी के जो फंडामेंटल है वो कैसे है, उस बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ना कि प्राइस के बिहाफ पे। और ये तो कभी भी मत कीजिएगा कि कम दाम वाला शेयर ले लेंगे तो रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है तो दूर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत गलत तरीका है और ज्यादातर बिजनेस का ये प्रॉब्लम है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी लगता था कि ये ऐसा होता है, लेकिन वो मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था कि ऐसा नहीं होता है। रिटर्न हमेशा परसेंटेज पे ही आपको देखना है और जो टोटल अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर देखना है। तो आशा करता हूँ कि ये मिसकंसेप्शन आपका इस वीडियो को देखने के बाद खत्म हो गया होगा और फिर कभी आप ये सोच के इन्वेस्ट नहीं कीजिएगा कि कम दाम वाला शेयर लेना है या ज्यादा दाम वाला शेयर नहीं लेना है।
वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा है जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे, या कोई और प्रॉब्लम का सामना आप कर रहे हैं, या किसी और भी मिसकंसेप्शन का सामना कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट में, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूंगा डिटेल में वीडियो बनाने का। यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।